नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री में तुगलक वंश को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का 2-3 लेक्चर कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप देख लें, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, सच में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बस आप रिवीजन करते रहें, अच्छे से एक बार नोट्स बना लें, फिर आपको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको इसमें शंका है तो आप जो पीछे के लेक्चर्स को पढ़ें या इस लेक्चर को पढ़ें, फिर किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे घटना चक्र है, तो निश्चित ही 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। बस आप रिवीजन नहीं करते, या आप जो है अलग अलग सोर्स की तलाश में रहते हैं, इसलिए आपका कोई भी चीज़ पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। यह एक कड़वी सच्चाई है, जिसे हम लोग जानते हुए भी उस पर जो है कमांड करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, ये एक माया जाल है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप एक ही अध्याय को 10 जगह से पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, लेकिन आप जो है अध्याय 1 से 10 तक नहीं जा पाते, जो कि आपका एग्ज़ाम में आपको क्षति पहुंचाता है। इस चीज़ को समझिए आप। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन एक जगह से पढ़ें आप, और अच्छे से पढ़ें। चलिए, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी करें। हमारा टॉपिक है आज गयासुद्दीन तुगलक। देखिए दोस्तों, तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है ये 320 से 1414 तक है। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने, और इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। फिर देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी, ये दिल्ली में है। और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ये था शायद, यही था, या फिरोज शाह तुगलक, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय में। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए तालाब और नहरों का निर्माण कराया था, ये था गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन सूफी संत जो थे ये हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। इन्हें हम पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि दी थी। सवाल अगर पूछ ले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि किसने दी थी, तो ध्यान रखें गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रॉब्लम ये था कि गयासुद्दीन तुगलक और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में बनता नहीं था। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि बंगाल का जो इक्तदार था जिसका नाम था बुगारा खां, इसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक जो है ये बंगाल गया, और बंगाल में विद्रोह को दबाने का प्रयास करने लगा। इधर दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी कर दी कि गयासुद्दीन तुगलक अब दिल्ली नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो दिल्ली की जनता है जौना खां को अपना सुल्तान मान ले, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब बंगाल में गयासुद्दीन तुगलक को इस बात का पता चला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ऐसा वहाँ दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि अब जो है ये दिल्ली नहीं आएगा, तो जौना खां को आप सुल्तान मान लें। इस बात का जैसे ही खबर गयासुद्दीन तुगलक को लगा, उसने जो है अपना दूत हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास भिजवाया और बोला कि गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली लौटते ही
आपको जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली आया, ठीक है, और उसने जो नगर बसाया था तुगलकाबाद, वहाँ पर अपने लकड़ी के महल में जो है लकड़ी के महल में रेस्ट कर रहा था। उसी दौरान जो है ये लकड़ी का महल जो है ये ढह गया और गयासुद्दीन तुगलक उसमें दब के मर गया। ठीक है, सवाल पूछता है कि किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु जो है लकड़ी के महल में दबने के कारण हो गई। तो ध्यान रखें गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है जौना खान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, ये गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है। ध्यान रखें, सवाल पूछा गया जा चुका है, पागल सुल्तान किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी और फारसी का ज्ञाता था। सारा सवाल आपका पूछा गया, इसलिए आप किसी भी पॉइंट को हल्के में ना लें। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे पागल सुल्तान कहते थे और ये अरबी और फारसी का ज्ञाता था। पागल सुल्तान इसलिए कहा जाता था इसे क्योंकि ये जो है इसकी जितनी भी नीतियाँ थी सभी नीतियाँ जो है विफल हो जाती थी। और इसके पीछे होने का रीज़न ये है कि इसका अपने जो अपना जो मंत्री परिषद था अपनी जनता से जो है समन्वय स्थापित नहीं हो पाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को का यात्री जो कि इब्न बतूता था, ये इसके दरबार आया था। ठीक है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके काल में आया था? तो ध्यान रखें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से इतना प्रभावित हुआ कि इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। सवाल देखिए, ये सारा सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था इसने जो है रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। सवाल पूछा हुआ है कि रेहला पुस्तक को किसने लिखा है? इब्न बतूता ने ही लिखा है। और इस पुस्तक में इसने भारत और मोरक्को के बीच व्यापार के संबंध को दर्शाया है, साथ ही इसने यह बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक महान शासक था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता था, ये अरबी और फारसी का ज्ञाता था, इसी के काल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया, और इब्न बतूता ने एक रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ध्यान रखें पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। सवाल को आप समझिएगा, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए इतिहासकारों का मानना है कि सती प्रथा जो शुरू हुई है ये गुप्त काल से हुई है, और इस दौरान गुप्त काल के शासक रामगुप्त थे जिनका सेनापति था गोपराज। ठीक है, गोपराज की जब मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी ने जो है उसके साथ जो है आत्मदाह कर लिया और तब से जो है ये सती प्रथा प्रारंभ हुआ। वहीं देखिए कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है, सती प्रथा का जो लिखित जो है साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से, जिसके शासक थे उस समय भानुगुप्त। ध्यान रखें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलता है? एरन अभिलेख से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लें आप। ठीक है, वहीं देखिए सती प्रथा को रोकने वाला पहला शासक जो था ये था फिरोज शाह तुगलक, ध्यान दें आप। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक सती प्रथा को रोकने वाला पहला शासक था जिसने प्रतिबंधित किया था। इसके बाद देखिए इसकी मृत्यु के बाद फिर से स्टार्ट हो गया, फिर अकबर ने भी जो है सती प्रथा को रोक लगा दिया था।
औरंगजेब के काल में भी सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो जो शासक रोक लगाते थे उस समय रुक जाता, लेकिन जब वो नहीं रहते उनकी मृत्यु के बाद पुनः चालू हो जाता। फाइनली 1829 में सती प्रथा जो है पर पूर्णतः जो है बैन लगा दिया गया। आपको पता है राजा राम मोहन राय एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह, कुल लगभग 34 विद्रोह जो हुआ है ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुआ है, ध्यान रखें। सवाल का पैटर्न समझें, आजकल जो है जो आपको आता है अक्सर एग्जाम में वो प्रश्न नहीं आता है। एग्जाम में वो प्रश्न आता है जिसमें या तो आप कंफ्यूज रहते हैं या आपने पढ़ा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमें आता है, नया टॉपिक मिलने के बाद जो है उसको स्किप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से याद नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो इन सब चीज़ों को आप सुधारिए तब आगे बढ़िए। ठीक है, अब सवाल पूछ लेगा कि सबसे सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुआ था। तो ध्यान रखिए आप, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह से तंग आकर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित कर ली। सवाल कई दफ़ा पूछा गया है, आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की। तो ध्यान रखें ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हरियर एवं बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और विजयनगर जो है वर्तमान कर्नाटक के हम्पी में है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। दिल्ली सल्तनत में उस समय किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। आगे देखते हैं, इसके जो भी अभियान रहे लगभग जो है पूर्णतः असफल रहे हुए। जैसे देखिए एक है खुराशान अभियान, ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का असफल रहा। और इस अभियान को करने के लिए उसने जो है सबसे बड़ी जो है वेतन युक्त आर्मी गठित की, और उस आर्मी को 1 साल का एडवांस पेमेंट जो है दिया। लेकिन ये अभियान जो है असफल रहा, क्योंकि उस समय खुरासान में जो अस्थिरता थी, तो इसका मानना था कि वहाँ पर जो है अधिकार कर लिया जाए। लेकिन जब तक इसने योजना बनाने की कोशिश की, आर्मी को तैयार किया, तब तक खुरासान में जो है स्थिरता आ गई। तो ये उस समय जो है अब ये अभियान पॉसिबल नहीं था। और इसने क्या किया था कि सबसे बड़ा जो है एक आर्मी का गठन किया, उन्हें उन सभी को 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया। तो उससे ये बहुत ही लॉस में चला गया। अब देखिए जो इस लॉस को पूरा करने के लिए इसने क्या किया कि दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो बहुत उपजाऊ होते हैं नदियों के आसपास, उस क्षेत्र में इसने क्या किया, कर में वृद्धि कर दी, ताकि इसको अधिक से अधिक टैक्स मिल सके। लेकिन संजोगवश देखिए उस दौरान जो है दोआब के क्षेत्र में सूखा पड़ गया। ठीक है, तो इसका यह कारनामा भी जो है टैक्स में वृद्धि वाला फेल कर गया। इसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि एवं सिंचाई हेतु दीवान एक को ही नामक विभाग बनाया। सवाल कई दफ़ा पूछा जा चुका है, दीवान एक को ही की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखें मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान एक को ही क्या था? कृषि एवं सिंचाई हेतु एक विभाग था। लगातार जूझ रहे आर्थिक संकट से उबरने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी को इशू किया। ठीक है, जो कि कांसे का होता था, और इसका यह आइडिया भी फेल कर गया। क्यों? क्योंकि जनता ने जो है खुद से सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, टोकन करेंसी जो थी ये जनता खुद अपने घरों में बनाने लगी, जिससे कि जो है इसकी आर्थिक स्थिति और भी बेकार हो गई। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया। ठीक है, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो है टेंशन मोहम्मद बिन तुगलक के फादर जो गयासुद्दीन तुगलक है उनसे था, आपको पता है पीछे पढ़ चुके हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है
मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। फिर देखिए 1351 में सिंध के थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, थट्टा नामक स्थान पर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह दिल्ली का शासक बना, ये ध्यान रखें आप। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ये जो है इसे पागल सुल्तान कहा जाता था, ठीक है, पागल था, और ये अरबी और फारसी का ज्ञाता था। इसने जितने भी अभियान किए वो लगभग सारे फेल रहे, है ना, चाहे वो खुरासान का अभियान हो, कराचिल अभियान हो, या फिर टोकन करेंसी स्टार्ट करना हो, ये भी फेल हो गया। दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि, ये भी फेल हो गया, लगभग सारे फेल हो गए। इसी के काल में सबसे ज़्यादा कुल 34 विद्रोह हुआ, ठीक है, और इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। यही सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। देखिए फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का परोपकारी सुल्तान कहा जाता है। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल जो है सवाल जो ट्रेंड में चल रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है इसी सब टाइप का सवाल। देखिए अगला जो लाइन है, फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ये सब आपको पूछा जाएगा, ध्यान में रखें आप। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का परोपकारी सुल्तान किसे कहते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, ध्यान रखें इसको। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने शासक बनने के बाद अपने कार्यकाल में 6 प्रमुख नगरों का निर्माण कराया। ये देखिए कौन कौन से नगर थे, ध्यान रखना है आपको। हिसार हरियाणा में है, फतेहाबाद हरियाणा में, फिरोजपुर पंजाब, फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, जौनपुर, ठीक है, जौनपुर इसने अपने बड़े भाई के नाम पर स्थापित किया था। ठीक है, सवाल पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई के नाम पर किस नगर की स्थापना की, तो ध्यान रखें जौनपुर। ये जो जौनपुर है इसे सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किसे कहते हैं, जौनपुर को। देखिए सिराज क्या है, तो सिराज जो है ये ईरान में है और ये मुस्लिम शिक्षा का एक केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये का आप देखिए जो बन सकता है, कहता है कि सिंचाई हेतु सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। यही क्वेश्चन शायद पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में। ठीक है, पहला अगर सुल्तान पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान रखें आप। इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण कराया और वहां पर लगभग 1200 पेड़ लगवाए थे, ध्यान रखें आप। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जो मोहम्मद बिन तुगलक से चली आ रही आर्थिक स्थिति थी इसे ठीक करने के लिए जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में है इस पर आक्रमण करके इसे नष्ट करवा दिया और यहाँ की संपत्ति को लूट ली। इसके बाद इसने जो है हिमाचल प्रदेश की जो ज्वालामुखी मंदिर है उसे भी लूटा। फिर भी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो ये है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है पॉइंट, कहता है फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया था। अब देखिए आपने पढ़ा था, ठीक है, ये ऐसे अगर कुतुब मीनार है तो आपको पता है कुल 5 मंजिला है, तो पहला जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, रिस्ट जो 4 है इल्तुतमिश ने कराया था आपको पता है, लेकिन इस पर जब जो है बिजली गिरने के कारण ये चौथा और पांचवा मंजिल जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसे ठीक कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए
आगे कहता है, टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को दिल्ली में किसने स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, टोपरा और मेरठ स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला पहला शासक, ध्यान रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है विधवाओं एवं विकलांगों हेतु इसने एक विशेष आवास का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और लोगों की आर्थिक मदद के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान एक खैरात नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, दीवान एक खैरात क्या था? तो ये लोगों की आर्थिक मदद करता था, और दीवान एक खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आप एकदम साथ में नोट्स बनाते चलें। फिर देखिए, लोगों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने हेतु इसने एक अस्पताल का निर्माण कराया जिसे दार उल शफा कहा जाता है। ठीक है, सवाल पूछा गया है दारुल शफा का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखें, फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल शफा क्या है? तो ये भी ध्यान रखें, ये एक अस्पताल था। फिर देखिए, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद कई सारे शासक आए, जिसमें आपको ध्यान रखना है तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। इस नाम का एक पहला पहले भी शासक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये तुगलक वंश का है, नसीरुद्दीन महमूद। ध्यान रखिए, नसीरुद्दीन महमूद के काल में ही तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली सल्तनत पर। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक तो चंगेज खां का आक्रमण पूछा जाता है किसके काल में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इल्तुतमिश के काल में। फिर जो है, तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। जो तैमूर लंग है, ये तुर्की के समरकंद का शासक था, ध्यान रखना है। ठीक है, तुर्की के समरकंद का शासक था, और नासिरुद्दीन महमूद का एक मंत्री था खिज्र खां, इसने जो है तैमूर लंग की मदद की थी दिल्ली आक्रमण के दौरान, जबकि यह मंत्री नासिरुद्दीन महमूद का था। ठीक है दोस्तों, देखिए, तैमूर लंग ने जब दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, तो उसने लगभग जो है सारे क्षेत्र जो हैं, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उन सभी को जीत लिया, अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था तैमूर लंग ने। इसलिए इतिहासकार ने ये कहा था कि नसरुद्दीन महमूद का शासन दिल्ली से अब पालम तक ही रह गया। ये क्वेश्चन आपका 64 BPSC में पूछा गया है। किस शासक के बारे में कहा गया कि उसका शासन जो है दिल्ली से पालम तक ही रह गया? तो ये शासक जो है नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था। उसके बाद देखिए, क्योंकि खिद्र खां ने तैमूर लंग की मदद की थी, ठीक है, और बाद में जो है खिद्र खां ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी और एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की। तो आप ध्यान रखें, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिद्र खां ने। अगला हमारा है सैयद वंश, काफी कम समय तक चला। तो ध्यान रखें आप, सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है 1414 से 1451। देखिए, सैयद वंश की स्थापना हम लोगों ने देखा खिज्र खाने की थी, और खिज्र खाने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुल दो ऐसे शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। पहला जो है, ये आपको याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सिपे सालार की उपाधि धारण की थी, और दूसरा है खिज्र खां। ठीक है, देखिए, खिज्र खां के बाद जो है मुबारक शाह
शासक बना और मुबारक शाह ने एक अफगान, ठीक है, जिसका नाम बहलोल था, उसे अपना सेनापति बनाया और इसे खान ए खाना की उपाधि दी। ठीक है, मुबारक शाह के बाद जब मोहम्मद शाह शासक बना तो इसने जो है बहलोल को अपना पुत्र घोषित कर दिया। ठीक है, सेनापति तो बनाया था मुबारक शाह ने। अब मुबारक शाह के बाद अगला शासक आया मोहम्मद शाह, इसने जो है बहलोल को क्या किया, अपना पुत्र घोषित कर दिया। फिर देखिए, जब मोहम्मद शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी शासक बना अलाउद्दीन आलम शाह, तो बहलोल को ये बात नहीं जची। उसने अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया और एक नए वंश, लोदी वंश की स्थापना कर दी। तो सवाल पूछा जाए कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने। ठीक है, ध्यान रखें आप। और लोदी वंश के बारे में ये खास है कि लोदी वंश पहला अफगान वंश था जिसने भारत जिसका भारत में शासन स्थापित हुआ। तो तुगलक वंश के बारे में इतना महत्वपूर्ण बात जो है हमें जानना है, इसे आप अच्छे से तैयार करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। प्लेलिस्ट में आपको 66वीं बीपीएससी से संबंधित सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।